अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि क्या गुलाब दुपहरी के जो पौधे होते हैं वो जो है ना पानी में ग्रो हो सकते हैं या नहीं। तो आज मैं इसको सवाल को एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी ये उग सकते हैं पानी में या नहीं। असल में जो जो है ना पौधे होते हैं पानी के, तो उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो है ना उन्हें धूप इतनी पसंद नहीं होती, उन्हें ठंड पसंद होती है। ठीक है, जैसे कि ये जो है ना ग्रास प्लांट है या फिर मनी प्लांट हो गए, ठीक है, तो इन्हें जो है ना पानी वाला इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इन्हें पानी ज़्यादा दिए जाए। ये जैसे बोले बांस प्लांट है, ठीक है, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर बात की जाए मूस रोज प्लांट की या गुले दुपहरी के पौधों की या पर्सलिन प्लांट की, तो जो है ना इन्हें जो के जो है ना पानी की इतनी नीड होती है, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें सख्त धूप अच्छी लगती है और जो है ना जितनी इन पर धूप पड़ती है उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है और फिर जो है ना इसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है और पैर पैर जो है ना फ्लावर देखने को मिलते हैं। ये हर रंग के होते हैं, येलो, रेड, वाइट, पिंक कलर जो है ना अक्सरियत में पाया जाता है। मेरे पास येलो कलर भी है, पिंक कलर भी है, पिंक पीच कलर भी है और वाइट कलर भी है। लेकिन आज बात हो रही है यहाँ पर जो है ना क्या हम इसे जो है ना पानी में उगा सकते हैं। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि जो है ना बारिश का मौसम था, ठीक है, तो जो है ना मैंने पानी रखा हुआ था, एक टप रखा हुआ था पानी का, ठीक है, जो बारिश के पानी को जमा करने के लिए रखा था। तो उसमें जो है ना ये पर्सलिन प्लांट या पोटुलाका प्लांट की जो है ना एक कटिंग गिर गई थी, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी आई थिंक बारिश का दूसरा दिन था कि जो है ना उस कटिंग में जो है ना मुझे छोटी छोटी सी रूट्स नज़र आ रही थी और उनमें रूट भी बन गई। तो वहाँ पर जो कि धूप पड़ रही थी तेज़ी के साथ पानी में और पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इस वजह से उसमें रूट बन गई थी। अदरवाइज़ अगर आप इसे पानी में रखते हैं, ठीक है, इस कटिंग्स को 2 दिन से ज़्यादा, तो फिर ये गलना शुरू हो जाती हैं और ये सरवाइव नहीं कर सकती पानी में। तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है और जो है ना जो पानी वाले पौधे होते हैं उन्हें पानी पसंद होता है, तो आप जो है ना पानी वाली जगह पर रख सकते हैं। और ये कटिंग्स जो है ना, ये जैसे ग्रास प्लांट है या मनी प्लांट है या गुलाबास प्लांट है, तो इनकी जो है ना कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं पानी में। तो इन्हें बरसात में अगर आप लगाते हैं तो इनकी कटिंग पानी में ऐसे ही रख दें आप ग्लास में पानी डालकर, तो ये ग्रो हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक पोटुलाका प्लांट या मूस रोज की बात है, तो इनकी कटिंग इतनी आसानी से जो है ना नहीं ग्रो होती और इन्हें पोट में ही लगाना पड़ता है, पानी में इनके लगाने के कोई भी चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आप जो है ना उस ग्लास को जो है ना सख्त धूप में रख दें और बहुत ज़्यादा धूप में रख दें, तो तब हो सकता है कि जो है ना वो कटिंग ग्रो हो जाए, लेकिन फिर भी रूट्स बनेंगी थोड़ी सी, लेकिन उस तरह की ग्रोथ नहीं होगी जैसा कि मिट्टी में लगने से होती है। और इसे जो है ना आपने खाद देनी है और जो है ना बेहतरीन खाद इसके लिए, अगर आप समझते हैं कि आपके जो है ना उस पर गुले दुपहरी के पौधों पर जो है ना फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो मैं आपको एक खाद बताती हूँ कि जो है ना आपने जो है ना सबलजिक जेड गोली होती है, ठीक है, अक्सर जो है ना घरों में मौजूद होती है, वो एक बेहतरीन खाद है, ठीक है, पौधों के लिए। एक बाल्टी पानी ले, उसमें एक गोली डालें वो, और अपने जो है ना मूस रोज प्लांट और जो है ना पोटुलाका प्लांट को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। इससे ये होता है कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और इससे जो है ना पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर जो है ना पत्ते पीले हो रहे हैं और जो है ना मिली बग्स बन गए हैं और बिल्कुल जो है ना पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, हालांकि गर्मी है शदीद, तो फिर जो है ना आपको इस तरह की खाद देनी चाहिए। तो मैं भी जो है ना आज वही खाद दे रही हूँ अपने पौधों को, अपने बाकी पौधों को भी जो है ना वही वाली सबरजैक्ट जो है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। यानी जो चीज़ें इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होती है, जो विटामिन या जो सीरप होते हैं, तो अगर उन्हें थोड़ी मिकदार में पौधों को दी जाए या फिर जो है ना जानवरों को दी जाए, तो ये इनको भी असर करती हैं और इनमें भी जो है ना ग्रोथ को बढ़ाती हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पैरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।